हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की। तो देखिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है, ठीक है? नाउ टुडे वी विल डिस्कस नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ठीक है? तो देखिए, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है। ए नेटवर्क इंटरफेस यूनिट समटाइम्स कॉल्ड ए नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस इज ए डिवाइस दैट सर्व एज ए कॉमन इंटरफेस फॉर वेरियस अदर डिवाइसेस विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि देखिए, पहले तो लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए, जैसे अभी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर रहे थे, कि सपोज कीजिए जैसे ये चार कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक? तो जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है, या इसको हम नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस भी बोलते हैं, नेटवर्क इंटरफेस डिवाइस। तो देखिए, इंटरफेस वर्ड जहाँ आता है उसका मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? तो ये क्या करता है कि इट इज़ ए डिवाइस दैट सर्व एज ए कॉमन इंटरफेस फॉर वेरियस अदर डिवाइसेस विद इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है? यानी कि ये मान लीजिए, ये जो कंप्यूटर हमारा 1, 2, 3, 4, ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये आपस में नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की मदद से जुड़े होते हैं, समझ रहे हैं? ये NIU लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ये आपस में इस तरह जुड़े होते हैं, ठीक है? और डायरेक्ट भी, अगर मान लीजिए इनके बीच में इस तरह जुड़ा है, इसके बीच में इस तरह जुड़ा है, तो ये NIU जो है, ये एज ए माध्यम का काम करते हैं दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए, एज वेल एज कंप्यूटर को, मान लीजिए किसी कंप्यूटर को आपको आउटसाइड वर्ल्ड से जोड़ना है। मान लीजिए ये जो कंप्यूटर 4 है, इसको आपको कोई बाहर का, कोई कंप्यूटर है इस ग्रुप से बाहर का, उससे जोड़ना है, तो उससे जोड़ने के लिए भी आपको एक नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेन काम इसका यही होता है कि ये इंटरफेसिंग प्रोवाइड करता है, ये कनेक्शन जोड़ने में माध्यम का काम करता है, ठीक? और इसका एडवांटेज क्या है कि द NIU एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है ये भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिंपली आप ये समझ लीजिए, प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल सिंपली आप समझ लीजिए सेट ऑफ रूल्स हर कम्युनिकेशन का, ठीक है? किसी जब भी आपका डेटा इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसमें दो लोग होंगे भाई, एक एक ट्रांसमीटर होगा जो डेटा भेज रहा है और एक रिसीवर होगा जो ले रहा है। तो इनके बीच में जो भी ट्रांसमिशन होगा उसके सर्टेन रूल्स होंगे। रूल्स मतलब कि भाई डाटा किस फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है? 8 बिट में भेजना है कि 16 में, कि 32 बिट में, कि 64 में, ठीक है? किस स्पीड पे भेजना है, ठीक है? किस कोडिंग फॉर्मेट में भेजना है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें एक प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें कंबाइंड रूप से एक सेट ऑफ रूल्स कहलाती हैं, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो जो NIU होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इट एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स बाई सप्लाइंग ए कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है? देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि NIU का ये भी फायदा हो गया कि सपोज कीजिए ये दो कंप्यूटर हैं, इसे ये हमारा एक कंप्यूटर ए है और ये हमारा कंप्यूटर बी है, ठीक है? इसका जो सपोज मान लीजिए ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से डाटा जा रहा है, ये रिसीवर है, यहाँ पर रिसीव हो रहा है। अब हमने कहा कि मान लीजिए इसकी जो डाटा भेजने की जो स्पीड है, ठीक, जो फॉर्मेट है, जो कोड ये यूज़ कर रहा है, वो इससे जस्ट अलग है। जस्ट अलग मतलब मान लीजिए कि इसकी स्पीड हमने कहा, सपोज कीजिए से हमने कहा 1000 किलोबाइट्स पर सेकेंड है, ऐसे समझ लीजिए। फॉर्मेट मान लीजिए ये 16 बिट में करता है डाटा ट्रांसफर, ठीक है? वर्ड लेंथ 16 बिट है। कोड सपोज कीजिए ये ASCII कोड फॉलो कर रहा है, ASCII कोड हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक? अब और यहाँ बी के साथ क्या है, बी की स्पीड है, हमने कहा कि मान लीजिए से 500
रिसीव करने की पर सेकेंड। इसका फॉर्मेट 32 बिट का है, ठीक। ये आस्की बजाय ये EBCDIC कोड फॉलो कर रहा है, तो फिर कैसे काम हो पाएगा, ठीक। तो फिर ऐसे काम हो पाएगा कि इन दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के बीच में होगा, के माध्यम से होगा, NIU के माध्यम से। ये NIU क्या, ये डाटा इसको देगा, ठीक है, ये इसको रिक्वायर्ड फॉर्मेट या रिक्वायर्ड उसमें करके बी को दे देगा, समझ रहे हैं। तो यानी NIU एक काम और करता है कि इट एनेबल्स ए कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। इन दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग हैं, इसका प्रोटोकॉल ये है और इसका प्रोटोकॉल ये है, ठीक। तो ये जो NIU है ये क्या करता है, ये कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ठीक है। NIU क्या करता है, कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल को एनेबल कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी इन दोनों डिवाइस में आपस में कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक। अब उसके अलावा टू एनेबल एन इंटरफेस बिटवीन ए लैन एंड अनदर नेटवर्क, द NIU कन्वर्ट्स प्रोटोकॉल्स एंड एसोसिएटेड कोड एंड एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द कनेक्टेड हार्डवेयर, ठीक है। तो वही चीज़, अब ये तो हमने एक एक कंप्यूटर के लिए आपको एग्जाम्पल दे के बता दिया। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर दो कंप्यूटर नेटवर्क हैं और दोनों आपस में अलग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, अलग उनके प्रोटोकॉल हैं। सपोज कीजिए एक नेटवर्क है हमारा ये, से ये कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। एक एक नेटवर्क हमारा ये है, से हमने कहा नेटवर्क वन, और दूसरा नेटवर्क हमारा ये है, ठीक है, ये हो गया नेटवर्क टू। अब इनको अगर आपस में कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, और दोनों के प्रोटोकॉल्स डिफरेंट है, प्रोटोकॉल्स आर डिफरेंट, ठीक है, और तब भी इनको अगर आपस में कम्युनिकेट करना है तो फिर ये एक नेटवर्क इंटरफेस यूनिट के माध्यम से, NIU के माध्यम से ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। ये आपस में इसके माध्यम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल हम इसलिए बना रहे हैं कि ये चाहिए इसको डाटा भेजे, चाहिए इसको डाटा भेजे, ठीक। तो ये यूज होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट का। और अगर कॉमनली अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज ए टाइप ऑफ NU। जैसे आप कहेंगे कि नेटवर्क इंटरफेस यूनिट की एग्जाम्पल बताइए, तो इसकी है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको बोलते हैं NIC, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो आई होप कि आपको नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्लियर हो गया होगा कि ये दो कंप्यूटर्स को या दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब इसमें एक दो चीज़ें जो है मैं आपको बताना रह गया था, जो पिछले लेक्चर में मैंने जो बात की थी उसकी, डिफरेंट तरह के सर्वर की, ठीक है, तो उसको आप रिफ़र कर लीजिएगा पिछले लेक्चर को। उसमें हमने जो चार पांच तरह के सर्वर बताए थे उसमें आपका कुछ एग्जाम्पल बताना मैं भूल गया था। जैसे उसमें मैंने थर्ड टाइप का बताया था एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, तो से हम यहाँ पे ये लिख देते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ, पहला क्या है एप्लीकेशन सर्वर, ये पिछले ही लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, छूटा हुआ पार्ट है, ये आप उसमें ही ऐड कर लीजिएगा। तो एप्लीकेशन सर्वर की जो एग्जाम्पल है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो हो गया आपका SAP बेसिस, ये एज एप्लीकेशन सर्वर यूज होता है। सेकंड आप लिख सकते हैं वेब लॉजिक। थर्ड आप लिख सकते हैं वेब स्फीयर। ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सर्वर है।
सेकेंड आप लिखिए डाटा बेस सर्वर की, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखाई थी आपको, डाटा बेस सर्वर, इसकी कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे हो गया आपका ऑरेकल, इसके कई वर्जन है, 8i है, 9i है, और आपका 10g है, ये सब डेटाबेस सर्वर की तरह काम करते हैं। उसके बाद है आपका माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL सर्वर, इसके भी डिफरेंट वर्जन है, जैसे 2000, ठीक है, 2005, 2008, ये हो गया। इसके अलावा और जो एग्जांपल है, जैसे DB2, ठीक है, और MySQL, तो ये सब डाटाबेस सर्वर के एग्जांपल है, ठीक है। तो एप्लीकेशन सर्वर की एग्जांपल हमने आपको बता दी, डाटाबेस सर्वर की आपको बता दी, और उसके बाद डायरेक्टरी सर्वर एट्सेट्रा की तो हमने उस दिन आपको दिखा दिया था। तो ये जो पोर्शन है, मतलब एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशन ऑफ डाटाबेस सर्वर, ये कुछ एग्जाम्पल रह गई थी पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको, जिसमें टाइप ऑफ सर्वर बताए थे, तो आप इसको उसमें ऐड कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट करा दूँ तो आपका सही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो चैनल पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।